ये जी हम प्रिंसिपल को इस्तेमाल कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं बिजली वाले पाइपों से। ये मेरा लेंटर है, इसके लिए हम फैक्ट्री से उठा रहे हैं। अरे इसको ऊपर रखना, इसको ऊपर रखो, ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकले। इसको थोड़ा सा और साइड पे कर दो ना, इसके ऊपर कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ अरसलान, आप देख रहे हैं MRM व्लॉग। और आज जो है हम अपनी प्रिंसिपल के ऊपर बहुत सारा सामान हमने लोड किया हुआ है जी। तो व्यूअर्स ये देखें, बिजली वाले पाइप हैं पौनी के और इंची के। ये मैं मेरा लेंटर डालना है प्लॉट का, मकान अब तो मकान हो गया जी। तो ये मैं लाया हूँ फैक्ट्री से, उधर कोई सुजुकी नहीं मिल रही थी तो मैंने सोचा कि गाड़ी के अंदर जब हमारे पास स्पेस है तो हमें क्यों ना हम इसके अंदर डाल लें। तो गाइस मैंने फुल लोडेड है ये, बहुत आराम आराम से मैं लेके आया हूँ। और इजीली जो है ना ये तकरीबन 1 2 3 4 5 सैकड़े है, मींस के इसमें एक सैकड़े में 1 फुट 1000 फुट होते हैं पाइप। और ये मतलब के 5000 फुट जो है ना पाइप इजीली इसमें आगे हैं। और स्टोरेज की बात करता चलूँ व्यूवर्स के, इसकी जो प्रिंसिपल की स्टोरेज कैपेसिटी है बहुत ही अच्छी है। लाइक के मतलब कि बिल्कुल भी कोई हर्डल नहीं हुई मुझे, और बड़े इजीली जो है ना ये। और उसके बाद ये है कि ये इतने वेट के बावजूद जो है ना ये चलने में बड़ी स्मूथ रही है, और बहुत इजीली आप जो है ना मेंस के पहले और दूसरे गियर में तीसरे गियर तक मैं आया हूँ इसके अंदर। और ये मैं लाया हूँ सिटी सदर रोड से, और सिटी सदर रोड से यहाँ तक का डिस्टेंस तकरीबन 1 घंटे का बनता है जी। जी तो व्यूवर्स मतलब स्टोरेज स्पेस का मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी है। और लाइक के अगर हम हमारे पास जो कल्टस डाउन मॉडल की होती हैं लाइक उसकी भी स्टोरेज स्पेस, एक मिनट में साइड पे देख लूँ, उसकी जो स्टोरेज स्पेस है वो भी कम है। और जो आल्टो है मींस की जो पिछले मॉडल की है 2010, 11, 12, उसकी भी स्टोरेज स्पेस ये कल्टस और जो आल्टो डाउन मॉडल की हैं इनके मुकाबले में जो ये वाली गाड़ी है प्रिंसिपल, इसकी स्टोरेज स्पेस बहुत अच्छी है। और मींस के अगर आप पिछली सीट को बैंड कर देते हैं तो इजीली आपके पास पूरा एक कमरा बन जाता है, कमरे के अंदर जो भी आपने डालना है वो डाल सकते हैं। हाँ हाँ, आप बेड भी डाल सकते हैं, यार क्यों परेशान होते हैं गाइज। एक दो लोग हैं उनको मेरी वीडियोज अच्छी नहीं लगती, मैं उन लोगों को डिस्कस नहीं करना चाहता, यार आप लोग करते रहो कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके उसके अलावा जो हमारे फैंस हैं जिनको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आती हैं, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इंशाल्लाह एक डिटेल रिव्यू दूंगा क्वेश्चंस एंड आंसर्स का प्रिंस एंड पर्ल के ऊपर। और माइलेज का भी पूछा है, और जो है ना इसके और भी बहुत सारी चीज़ों का पूछा हुआ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो में आप लोगों के साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी इस गाड़ी के हवाले से मालूम चाहिए, पता करना है मैं इसका एंड यूज़र हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बताऊँगा। और गाइज वो जो पिछली फैन बेल्ट वाली वीडियोज थी ना वो पिछली थी, पहले की रिकॉर्ड की हुई थी मैंने, इसके मैंने हफ्ता हो गया सर्विस करवाई हुई है, और जो है ना मींस के वो भी ठीक करवा ली है, और ऑयल भी चेंज करवा लिया है, और इसका गियर ऑयल चेंज करवाया है। वो भी इंशाल्लाह एक वीडियो के अंदर डिटेल से आपको रिव्यू दूंगा कि फर्स्ट सर्विस के अंदर क्या क्या करवाना है और क्या क्या नहीं करवाना, क्योंकि वो तो कहते हैं शोरूम वाले कि जी सब कुछ ही करवा दो, तो एंड में जब बिल बना देते हैं 15-20 हज़ार का तो फिर आपको बाद में पता चलता है। तो गाइज बहुत शुक्रिया, अब हमारा घर आ चुका है और अब मैं वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। वो व्यूवर्स जो हमारे साथ आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक किया करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर अपनी कीमती राय का इजहार किया करें। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। देखिए लाइक ये गाड़ी फुली लोडेड है, और ये स्पेस देखें अभी भी जो है ना अच्छी खासी इसमें स्पेस है। और कुछ लोग कहते हैं जी इसकी
ग्राउंड क्लियरेंस नहीं अच्छी, और ये ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है। और मुझे जो है ना अभी तक इस ये गाड़ी नीचे से अभी तक किसी स्पीड ब्रेकर वगैरह से टच नहीं हुई है, फुली लोडेड गाड़ी है। तो मींस के ये भी जो है ना सिर्फ बातें ही हैं जी, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ ओके है जी, ऑल ओके है, गाड़ी ऑल ओके की रिपोर्ट है। और ये मैं अभी कुछ पिक्चर्स बना रहा था तो मैंने सोचा कि आपको इसकी स्पेस के बारे में बताता चलूँ। गाइस और भी अगर आप लोगों ने कुछ पूछना होता है तो हम हाजिर हैं, अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार किया करें। जुबैर क्या हाल है?